नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई सो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुमकुम एक प्यारा सा बंधन शो के बारे में और जानेंगे कि आखिर यह शो बंद क्यों हो गया था। यह एक भारतीय धारावाहिक शो था जिसे बैग फिल्म्स ने बनाया था। इस शो के कुल 1449 एपिसोड्स को स्टार प्लस चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था। इस शो का पहला एपिसोड 15 जुलाई 2002 को आया था और आखिरी एपिसोड 13 मार्च 2009 को आया था। यह शो स्टार प्लस पर दोपहर के टाइम स्लॉट में आता था। इस शो की कहानी की बात करें तो इस शो की कहानी वाधवा फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। वाधवा फैमिली के बेटे जतिन वाधवा की शादी कुमकुम नाम की लड़की से होती है, लेकिन जतिन को ब्रेन ट्यूमर होने के कारण उसकी मौत हो जाती है और फिर वाधवा फैमिली कुमकुम की शादी विशाल नाम के लड़के से करवाने के लिए तैयार होती है। लेकिन शादी के दिन ही कुमकुम का देवर सुमित कुमकुम से शादी कर लेता है ताकि वो विशाल से कुमकुम को बचा सके और फिर कुमकुम और सुमित की विवाहित जिंदगी पर इस शो की कहानी चलती रहती है। इस शो में 2 बार टाइम लिप लिया गया है। पहला लिप 20 साल का आया था जिसमें शो की कहानी कुमकुम और सुमित के बच्चों पर चलने लग जाती है। वहीं दूसरे लिप में कुमकुम और सुमित की मौत के बाद शो की कहानी उनके पुनर्जन्म पर दिखाई गई है। इस शो की कास्ट की बात करें तो इस शो में जूही परमार ने कुमकुम का रोल किया है, हुसैन खुएजरवाला ने सुमित का और तस्नी शेख ने रेणुका का रोल किया है। अब बात करते हैं कि आखिर यह शो बंद क्यों हो गया था। इस शो को दर्शकों ने शुरू से ही काफ़ी पसंद किया था और यह शो 2002 से 2009 तक यानी कि 7 सालों तक लगातार चला था। पर इतने लंबे समय तक लगातार चलने के बाद इस शो की कहानी से ज़्यादातर दर्शक बोर होने लगे थे, जिसकी वजह से इस शो की टेलीविज़न रेटिंग्स लगातार कम आने लगी थी और इसी वजह से इस शो को 13 मार्च 2009 को बंद कर दिया गया था। इस शो के बंद होने का कारण एक समय पर इस शो की कम टेलीविज़न रेटिंग्स आना था, जिसकी वजह से ये शो बंद हो गया था। अगर आप इस शो के सभी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस शो के सभी एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने ये शो देखा है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और टीवी शोज की सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माई शो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।